स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। और वीडियो है दरअसल यूपी सरकार का चौथा पूर्ण बजट आज आएगा, इस खबर को लेकर के हम वीडियो लेकर के आए हैं। और आज आप लोगों को जानकारी देते हैं कि यूपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपना चौथा बजट जो है वो भी पूर्ण बजट पेश करने वाली, और बजट कितना रहेगा वो भी आज में वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और शाम को आपको पता चल जाएगा जैसे ही बजट पेश होगा कि क्या क्या सरकार अपना इस बजट में लेकर के आई है, किस किस को लाभ देगी और किस जो है लोगों को निराशा मिलेगी। खासकर हमारी आंगनबाड़ी वर्कर बहने आजकल ज्यादा ही उम्मीद लगाए रहती है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से बजट निकले या राज्य सरकार की तरफ से। और ऐसे में उम्मीद इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि आंगनबाड़ी की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। यहां पर बात करने वाले हैं, लिखा हुआ है लखनऊ वगैरह प्रमुख संवाददाता ने बताया है, मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार मंगलवार को अपना चौथा पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी, यानी कि आज के दिन की बात कही जा रही है। बजट आकार 5 से जो है लिखा हुआ है 5.25 लाख करोड़ होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में आप लोग खुद सोच लीजिए, 5 से लेकर के 5.25 लाख करोड़ रुपए है, ये 1-2 हजार करोड़ नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को याद रखना चाहिए, लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार लेकर के योगी सरकार आने वाली है। अब यहां क्योंकि बजट भी आएगा, जानते हैं आप सब भाई बहन, ना तो रोजगारों के अवसर मिल पाए, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिनके चलते लोग बाग जो जूझ रहे हैं, भर्तियां आ नहीं रही हैं, किसी को एक जो है कैटेगरी वालों को लाभ ही नहीं मिलता है। ऐसे में आगे लिखा हुआ है बजट के माध्यम से सरकार जो है एक्सप्रेसवे पर भी पैसा आने वाला है। बजट के माध्यम से सरकार एक्सप्रेसवे और महिला कल्याण एवं सुरक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति और साथ में पूर्वांचल व बुंदेलखंड को पैकेज और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण और बड़े शहरों के मेट्रो प्रोजेक्ट को भरपूर धनराशि दे सकती है, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। अभी ये सब कुछ पेश नहीं किया गया है, अभी दोपहर के बाद या शाम के टाइम तक आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, क्या सरकार ने कहा है और किस किस के लिए कितना बजट वो लेकर के आए। अभी फिलहाल जो जानकारी और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही वो आप सब लोग देखते जाइए। लिखा है सजेगी काशी, तो काशी के लिए भी योगी सरकार पैसा लेकर के आई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंदिर की बात हो या फिर आप लोगों के धार्मिक स्थलों की बात हो, योगी सरकार पैसा देने में पीछे नहीं हटती। लेकिन यदि बात शिक्षा की हो, रोजगार की हो, तो हर कोई जानता है, हर राज्य की यही हालत है, कहीं पर भी शिक्षा और रोजगार की बातें नहीं होती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर बहुत से आंगनबाड़ी वर्कर हैं जो किराए के भवनों पर संचालित कर रही हैं। आए दिन कभी प्रधानाध्यापक आंगनबाड़ी को उनके बच्चों को कमरे में ताला लगा करके बंद कर देते। अभी एक मुद्दा आपके सामने आया था कानपुर का, आज हम उस वीडियो को जो है पूरा स्पेशल वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर लेकर के आने वाले हैं। साथ ही बताना चाहेंगे, लिखा हुआ है सजेगी काशी, पर्यटन के साथ ही मेट्रो को जो है पर्याप्त बजट भी मिलेगा। बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार मथुरा, वाराणसी और अयोध्या के धार्मिक और पर्यटन विकास की योजनाओं को रफ्तार दे सकती है। तो यहां पर पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन को इसलिए दिया जा रहा है। साथ ही एक्सप्रेसवे की यदि बातें की जाए, मान लेते हैं ये गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर के शायद सरकार बजट ले आए। अब ऐसे में आप लोग क्या जानते हैं, यहां पर हजारों लोगों की जमीनें जाएंगी एक्सप्रेसवे में। ऐसे में जो किसान पैदा कर रहे थे, जो उन्हीं की जो है एक जीवन शैली थी, जीवन यापन करने की भूमिका निभा रहा था उनका खेती बाड़ी, तो ऐसे में वो भी उनकी चली जाएगी, छिन जाएगी, वो तो सरकार के अंदर चली गई, एक्सप्रेसवे में निकल गई, मुआवजा मिल जाएगा। कुछ लोग दारू पीएंगे, कुछ लोग मुर्गा खाएंगे, यही सब करके कुछ लोग जुए में उड़ाएंगे पैसा, ऐसे धीरे धीरे करके वो लोग जो है उड़ा देंगे। फिर क्या होगा, फिर उनके ऊपर आर्थिक संकट का बोझ आएगा, यही सब चीजें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। वैसे भी आप लोग जानते हैं पैदावार कम हो रही है, एक तो जानवरों की वजह से कुछ फसलें को नुकसान होता है, बचा नहीं पाते किसान, ऊपर से इस हाईवे वगैरह में जा रही हैं ये चीज़ें, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है आने वाले समय में। बाकी आप लोगों को कहना चाहेंगे, यहाँ पर आगे देख सकते हैं वाराणसी के लिए पर्यटन की नई योजनाएं दिए जाने की चर्चा भी है। अब ऐसे में लिखा है मेट्रो रेल की योजनाओं को देंगे धनराशि, तो मेट्रो जो रेल की योजनाओं को भी धनराशि यहां पर बांटी जाएगी। लिखा है आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर जैसे शहरों में मेट्रो और लिखा हुआ है रेल योजना को गति देने की तैयारी भी बजट में दिख सकती है। इन शहरों में मेट्रो रेल योजना के लिए, इन योजनाओं के लिए 500 करोड़ तक आवंटित किए जा सकते हैं।
तो अटल के नाम योजनाएं, ये सब कुछ लिखा हुआ आगे देख सकते हो। 5.25 लाख करोड़, लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है बजट का आकार। सरकार प्राथमिकता की योजनाओं को दे सकती है भरपूर धनराशि। सरकार के उद्देश्य क्या प्राथमिकताएं हैं, ये तो आप सब लोगों से छुपा नहीं है। चाहे नाम बदलना हो, चाहे मंदिर मस्जिद में पैसे लगाने हो, इन सब चीजों में जो है सरकार ज्यादा ध्यान देती है धार्मिक स्थलों पर। लेकिन बावजूद शिक्षा के, रोजगार के, क्योंकि हर सरकार का एक पहला जो एजेंडा बोल सकते हैं, मुद्दा बोल सकते हैं, या सरकार सत्ता में आती है या कोई भी सरकार हो, एक्स वाजिट कोई भी पार्टी हो, उनका मुख्य जो उद्देश्य कह सकते हैं वो यही होता है कि अपने बाग जनता को जो है सबसे पहले शिक्षा को दुरुस्त किया जाए, उसके बाद फिर रोजगार पर बातें कही जाएं। तो इन सब चीजों के मुद्दों पर ये प्राथमिकता से जो है मुख्य उद्देश्य होते हैं, लेकिन इन सब चीजों को देख रहे हैं आज के जमाने में बल नहीं मिल पा रहा है। भर्तियां यदि आती हैं, यदि रेलवे को ही ले लिया जाए, NTPC हो या अन्य तमाम के जो पेपर वगैरह चलते रहते हैं, NTPC का लगभग 1 साल होने को आ रहा है, फॉर्म पड़े और लोग बाग ने जो पैसा जमा किया, वैसे में वो पैसा उनका चला गया, अभी तक पेपर तक डिसाइड नहीं हुआ कि कब पेपर कराएगा विभाग। तो ऐसे में आप लोग खुद सोचिए, बच्चे पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, 3-3-4 साल पढ़ते ही रहते हैं, फॉर्म पड़ जाते हैं, पैसा चला जाता है सरकार के पास में हजारों हजार करोड़, और उस पैसे का कोई लेखा जोखा कुछ भी नहीं रहता कि कब पेपर होंगे। कोई फेयर तरीके से शिक्षा को लेकर के, नौकरी देने को लेकर के बातें कोई भी सरकार नहीं कर पाती। अब आगे आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं बिहार में जो हमारे भाई बहन है वो कृपया ध्यान दें, 11 तारीख का ये लेटर हमारे पास लगा है जो कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के समय परिवर्तन के संबंध में। मैं एक बार इस लेटर को दिखा चुका हूं, फिर भी भाई का कहना है कि दिखा दीजिए, बहुत सी बहनों को शायद ना पता हो, तो जरा देख लीजिए। लिखा है 31 मार्च 2020, 31 मार्च तक जो हमारी बिहार की आंगनबाड़ी बहनें हैं, आपके स्कूल का समय है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ही रहेगा। तो 10 से 2 बजे तक आंगनबाड़ी बहनें जो बिहार की हैं, आप लोगों का समय रहेगा, वो भी ठंड अभी भी चल रही इस वजह से आपके वहां पर समय जैसे का तैसा 31 मार्च तक बना रहेगा। आगे आपको बताना चाहेंगे, हमारे पास अरुण कुमार भाई जी हैं, उनके द्वारा भेजी गई ये कुछ जानकारी, केंद्र वगैरह चेक करने के लिए टीम वगैरह आई है। लिखा हुआ है आदर्श समेकित बाल विकास परियोजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह, और प्रखंड जो है आपका नगर नौसा प्रखंड है, जिला नालंदा बिहार वगैरह से आप देख सकते हैं, चेकिंग करने के लिए टीम वगैरह आई। अब आगे कुछ और भी तस्वीरें वहां से मैं आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। रही बात चेकिंग को लेकर के या निरीक्षण हो, मैं आप लोगों से क्या कहता हूं कि हर एक राज्य का ये सब चीजें रोज रोज तो दिखाई नहीं जा सकती कि कहां पर का किस दिन कौन चेक करने आ रहा है। ऐसे में आप लोग हमेशा यदि अपना काम अच्छा करें, सावधानियों से रहें और हमेशा अपना जो ड्यूटी है वो समय से निभाएं, तो कभी भी कोई भी आए चेकिंग करे, आपका पूरा ब्यौरा जो है रजिस्टरों का वो मेंटेन है, काम यदि आपका पूरा है तो कोई टेंशन वाला काम ही नहीं रहेगा, कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहेंगे, एक और हमारे पास जानकारी है, ये आंगनबाड़ी पन्ना MP वगैरह से किसी भाई बहन ने जो भी फेसबुक पेज चला रहे हैं उनके द्वारा डाली गई पोस्ट उनको, और वहां पर वो कह रहे हैं कि जो हमारा साथ देगा और नियमित करेगा वही जीतेगा। और ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा है, संजय सिंह जी से हमारा साथ दिया, हमने दिल्ली झारखंड मुंबई दे दी, उनका कहना है। आगे आप देख सकते हो और भी उन्होंने लिखा है, बाकी आपके चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे CM ऑफिस हो, हर जगह उन्होंने, चाहे न्यूज चैनल वाले हो बड़े बड़े, हर जगह उन्होंने ट्वीट करके बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हाय हमेशा लगेगी मोदी जी, अभी तो 4 राज्य गए हैं, अगर नियमित नहीं किया तो बाकी के राज्य भी जाएंगे। तो ऐसे में आंगनबाड़ी पन्ना MP वगैरह से जो पोस्ट वगैरह डाली गई ट्विटर अकाउंट के जरिए, वो अभी आप देख सकते हैं। सवितेश वगैरह बहन है, उनकी भी कुछ समस्या है, आइए देख लेते हैं। उनका कहना है कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग के गैर जिम्मेदार इतने ज्यादा हो गए हैं कि आंगनबाड़ी बहनें अपने आप को लावारिस महसूस कर रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हम आंगनबाड़ी को बेवकूफ बना रहा है, ट्रेनिंग, टीकाकरण, विटामिन ए और फाइलेरिया जैसे लिखा हुआ काम फ्री में करवा लेते हैं, और जब फाइलेरिया की दवा बांटने का पैसा 150 यानी कि 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आया तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपनी आशा बहू के साथ आंगनबाड़ी की जगह पर उनके पति या बेटे को रख लिया, और आगे लिखा हुआ ताकि पूरा का पूरा पैसा आशा बहू के घर रह जाए, जो कि एक जो है राउंड या एक सत्र का पैसा लिखा हुआ 5,000 रुपए है, ऐसा उन्होंने लिख करके भेजा है। क्या यह बाल विकास विभाग जो अधिकारियों को मालूम नहीं या फिर आंगनबाड़ी का भला नहीं चाहते, सिर्फ सभी के दौड़ना ही जानते या सभी को दौड़ाना ही जानते हैं, और लिखा हुआ हम चाहते हैं कि हमारा जो है और हमारी बहनें इसका विरोध करें और अन्य विभाग का कार्य बिना पैसे के ना करें, हम सबने विरोध किया है। और AAA की बात भी उन्होंने उठाई है, बहुत सी बहनें कहती हैं कि उनको वहां पर पैसा नहीं आता है, AAA का पैसा आया था उनके वहां पर,
अगर विरोध नहीं किया तो अगली बार भी फाइलेरिया का पैसा नहीं मिलेगा, जो कि सरकार हमें दे रही है, अधिकारी नहीं चाहते। तो अधिकारी बाल विकास वाले ये चाहते हैं कि उनके वहां पर आशा बहुओं को मिल जाए, तो ये तमाम समस्या, कहीं पर आशा बहुओं को भी नहीं देते हैं अधिकारी, वो खुद ही डकार जाते हैं, समस्या तो तब भी खड़ी होती है, क्योंकि चाहे जैसे आंगनबाड़ी वर्कर है वैसे आशा बहु है, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, सबकी सब परेशान है, लेकिन जहां पर इन दोनों को ना देकर के अधिकारी खुद ही सब डकार जाते हैं, बंदरमाट कर लेते हैं पैसे और आंगनबाड़ी को दौड़ाते रहते हैं, आ जाना कल आना ये सब करके, और पैसा नहीं भेजते, तो ऐसे में ये सब कुछ गलत है, और इसके खिलाफ बहनों मिलकर के आप लोगों को जो है आवाज लगानी चाहिए। आगे आप देख सकते हो यहां पर हमारी बहन ने सवितेश बाराबंकी डाल करके भी भेज दिया है, और आंगनबाड़ी वर्कर, आगे आप देख सकते हैं एक और हमारे पास जानकारी आई हुई है जिसे आप देख सकते हैं, लिखा है सभी संगठनों के जिला अध्यक्ष कृपया दिनांक 27 फरवरी के प्रदेश स्तर के आह्वान पर झालावाड़ में दिए जाने वाले ज्ञापन की तैयारी करें, या धरना प्रदर्शन विशाल प्रदर्शन होना चाहिए ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके, सभी कर्मचारी महासंघ के और अपने संगठनों के ग्रुप पर भी आह्वान करें ताकि कर्मचारियों में जन जागृति आ सके, निवेदक है कर्मचारी संघ झालावाड़ से। तो उनकी तरफ से ये कुछ देर से हमारे पास फॉरवर्ड करके मैसेज वगैरह आया हुआ है, और ये किसी आंगनबाड़ी बहन ने जो है भेजा हुआ है। आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे बिहार से हमारे पास एक और जानकारी, इसमें लिखा है मैं बिहार के औरंगाबाद से जो है, और मुझे अभी तक मानदेय वगैरह शुरू नहीं हुआ है, 3 इयर्स हो गए हैं। तो दरअसल उनके वहां पर शायद ये कुछ समस्या होगी, नई भर्ती हुई होंगी इन लोगों की, और 3 साल से इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत सी जगह बहने हैं जिनकी मानदेय की समस्याएं आए दिन हमारे पास आती हैं। मध्य प्रदेश से भी हमारे पास समस्या कुछ इस तरीके की आई है कि वहां पर 3-4 महीने हो रहे हैं, और 3-4 महीनों में सिर्फ केंद्र सरकार का ही पैसा बहनों के खातों में भेजा जा रहा है। वहां पर सरकार है कांग्रेस की और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हैं मुख्यमंत्री, तो ऐसे में उनसे उम्मीद यही की जा रही है कि जो ये गलती आप कर रहे हैं इसको ना दोहराएं। एक तो बहने भाजपा सरकार से परेशान है, और आप भी यदि ये सब कुछ करना स्टार्ट कर देंगे तो आप भी जो है, जैसे दिल्ली में एक सीट का खाता नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का, तो शायद आने वाले समय मध्य प्रदेश में भी आपको लोहे के चने चबाने पड़ जाएं। तो क्योंकि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर खुद परेशान है, आपने 1500 की पहले कटौती कर ली, और ऊपर से अपने राज्य का जो अंश है वो भी नहीं दे रहे हैं, केंद्र का 3-4 महीने से बराबर आ रहा है लेकिन राज्य सरकार मिलाकर के अपना नहीं दे रही, तो समस्या बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में भी और बिहार में भी। आप देख ही रहे हैं कुछ बहने कह रहे हैं कि 3-3 साल उनको हो गए हैं और उनके वहां पर मानदेय उनका नहीं मिल रहा है, तो ये 3-3 साल कैसे हैं बहने, और बहुत से भाई बहनों ने कहा था 2 साल उनके हो गए हैं। तो जहां पर जैसी नई भर्तियां होती है वहां पर पैसे देने में उन लोगों को दिक्कत होती है। हमारी सलाह आप लोगों को यही है जिनका 1 साल 2 साल 3 साल से पैसा नहीं आ रहा है, आप सब अपने वहां के डीपीओ के पास जाएं और उनको अपनी समस्या बताएं और उनसे पूछें कि राय वो क्या देते हैं और उनका क्या कहना है, उसके बाद जो कहते हैं इंतजार करें, उसके बाद भी ना आए पैसा तो फिर आप सीधा निदेशालय में अपने पैरों को जमाएं और वहां पर जाकर के मजबूती के साथ खड़े और अपनी समस्या को बताएं कि हम इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, हमें हमारा पैसा नहीं आ रहा है, तो यहां पर शायद आपकी समस्याएं जल्दी सॉल्व हो जाए। वहीं पर आप देख सकते हैं एक और समस्या हमारे पास आई है, लिखा हुआ है भैया साइट तो खुल गई पर टाइम बहुत लग रहा है एक बच्चे फीड करने में। दरअसल फीड नहीं, सीडिंग का काम जो चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश में आधार सीडिंग का लाभार्थियों की, तो उसके संबंध में बहनों, बहन का कहना है कि फादर की डेट ऑफ बर्थ मांगी है, कोई जो है आसान प्रोसेस बताना, जल्दी काम हो जाए, ऐसे तो काफी समय की बर्बादी होगी। तो आसान समय इसका कुछ भी नहीं है, जो ये आपने प्रारूप टाइप का ये फॉर्म वगैरह ऐसा भेजा है जो खुल करके आता है जब आधार सीडिंग आप करते हैं icdsup.com पर, तो icdsup.com टाइप करिए, उसके बाद खोलिए, फिर अपना यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो अपने डीपीओ महोदय से सीडीपीओ से ले सकते हैं, सीडीपीओ से कहकर के, तो सीडीपीओ आपको सही सही यूजर नेम पासवर्ड देंगी, तभी आपकी साइट खुलेगी। जब खुल जाए फिर उसके बाद में आप उस पर अपनी इस तरह के जो प्रारूप दिखेगा फीडिंग करिए, सबमिट करिए, ऐसे आपकी फीडिंग होती चली जाएगी, इसका कोई आसान तरीका नहीं है। आगे कहना चाहेंगे, मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।